जन अधिकार सेवा समिति के जिला अध्यक्ष संदीप रघुवंशी ने जानकारी में बताया कि 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक छिंदवाड़ा जिला के अलग अलग स्थानों में निःशुल्क नेत्र शिविर लगाए जाएंगे। निःशुल्क नेत्र शिविर स्थान 14 अप्रैल को चंदनवाड़ा, 15 को परसोली, 16 को खमरा, 17 अप्रैल को चांद, 18 अप्रैल को पनिहारी, 19 अप्रैल को बिछुआ, 20 अप्रैल को खमार पानी, 21 अप्रैल को धनेगांव, 22 अप्रैल को कपूरखेड़ा, 23 अप्रैल को करलाई, 24 अप्रैल को थोटा माल, 25 अप्रैल को रमपुरी टोला, 26 अप्रैल को मेदधोन, 27 अप्रैल को रामगढ़, 28 अप्रैल को हिवरखेड़ी, 29 अप्रैल को कपूरदा और 30 अप्रैल को आखिरी शिविर चौरई में लगाया जाएगा। जन अधिकार सेवा समिति के जिला अध्यक्ष संदीप रघुवंशी ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं डॉक्टर दीनदयाल के उपदेश देते हुए ये बताया कि जिस प्रकार डॉक्टर बाबा साहेब ने सेवा भाव से पूरे विश्व में कार्य किया है, उन्हीं की प्रेरणा से आज हमारे पूरे जिले में निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया जाता है। संदीप रघुवंशी ने यह भी बताया कि निःशुल्क नेत्र शिविर 8 वर्षों से लगातार पूरे जिलों में किया जा रहा है। इस निःशुल्क नेत्र शिविर में मोतिया बिंदु के ऑपरेशन, ओपीडी व्यवस्थाएं, अन्य प्रकार की जाँच, किडनी लिवर कैंसर से लेकर जितने भी रोग होते हैं उनके समाधान के लिए जिला चिकित्सालय की टीम, लायंस हॉस्पिटल पारसिया की टीम एवं प्राइवेट हॉस्पिटल छिंदवाड़ा की टीम निशुल्क सेवा देने का कार्य करेंगी। सभी को मेरा प्रणाम। जैसा कि आप जानते हैं, प्रतिवर्ष हम लोग जरूरतमंदों की सेवा के लिए निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हमारे चौरई विधानसभा क्षेत्र में करते आए हैं। इस वर्ष भी यह 8वां वर्ष हमारा है और बाबा साहब अम्बेडकर जी जो हमारे संविधान के निर्माता हैं और वो हमारे बीच में किसी न किसी रूप में आज मौजूद हैं, विद्यमान हैं। उनकी प्रेरणा से ही हमारे पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में संविधान के माध्यम से हमारा आज भारत देश प्रगति कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे सभी मार्गदर्शक आज बाबा साहब अम्बेडकर जी के मार्ग पर चलकर जन जन की सेवा कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मार्गदर्शन में हमारी पार्टी भी आज जनता के बीच में जाकर सेवा कार्य कर रही है। तो मैं एक कार्यकर्ता के रूप में आप सभी से आग्रह करता हूं कि इस निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में, जिसमें मोतियाबिंद के ऑपरेशन भी होंगे, ओपीडी व्यवस्थाएं, अन्य प्रकार की जांच, किडनी लीवर कैंसर से लेकर जितने भी हमारे रोग होते हैं उनके समाधान के लिए जिला चिकित्सालय की टीम एवं लायंस हॉस्पिटल रासिया की टीम एवं प्राइवेट हॉस्पिटल छिंदवाड़ा की टीम एवं स्थानीय टीम सब मिलकर के हम लोगों ने 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 16 दिवसीय कैंप का आयोजन चौरई विधानसभा के जनपद मुख्यालयों पर करने का निर्णय लिया है। हमारी जनाधिकार सेवा समिति के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों के सचिव, सरपंच, हमारे जनप्रतिनिधिगण, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, नगर पालिका अध्यक्ष, पार्षदगण एवं हमारे समस्त कार्यकर्ता बंधु, धर्म प्रेमी बंधु, समाज सेवियों से मेरा निवेदन है कि इस भव्य आयोजन में आपकी भूमिका बहुत बड़ी रही है। आपके माध्यम से ही मरीज इस कैंप तक आ पाता है, तभी उसका इलाज हो पाता है। आधार कार्ड लेकर के निःशुल्क इलाज करने का संकल्प हमने 10 वर्ष पहले लिया था। आज हमने 10,000 जाँच कराकर, 5,000 से भी ज्यादा ऑपरेशन कराकर और लोगों की सेवा करने का प्रयास किया है। मित्रों, साथियों, सब ईश्वर की कृपा से ही यह संपन्न होता है। ईश्वर की कृपा से हमने यह 16 दिवसीय कैंप जो आयोजित किया उसकी सूची में बताना चाहता हूं। आपसे निवेदन है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आप इस कार्य में जरूरतमंदों का जरूर सहयोग करेंगे। हमारा अम्बेडकर जयंती का प्रथम कैंप परसोली ग्राम से प्रारंभ होगा, जो कि 15 अप्रैल को दिन शनिवार को। द्वितीय कैंप खमरा बिछुआ मंडल में 16 अप्रैल को दिन रविवार बाजार के दिन। तृतीय कैंप चांद नगर पालिका 17 अप्रैल दिन सोमवार। NBC न्यूज के लिए चौराहे से संवाददाता राजेश उइके की रिपोर्ट।